हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल दी बायो वर्ल्ड। हम लोग आज क्या बात करने वाले हैं, हम लोग यूनिट नंबर 8 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड डिजीज। यस सर, तो सबसे पहला सवाल ये हो जाए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सो हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ इज ए स्टेट, यस सर, हेल्थ इज ए स्टेट वेयर देयर इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हेल्थ का मतलब होता है अब्सेंट ऑफ डिजीज। देखिए, आप समटाइम, आपको कोई भी डिजीज नहीं है, आपको डिजीज नहीं है तो भी आप हेल्दी हैं, ऐसा अब्सोल्यूट तरीके से ये सही बोलना, ये बोलना सही नहीं हो जा होगा नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब डज नॉट मीन अब्सेंट ऑफ डिजीज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं। यस सर, हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट फिजिकल। फिजिकल का यहाँ पे बोलने का मतलब ये होता है कि आपके 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 दो हाथ हैं, आपके पैर हैं, आपके पास दिमाग है, आपका कान है, आपका प्रॉपरली डेवलप्ड फिजिकल बॉडी है। यस सर, फिजिकल डेवलप्ड जो बॉडी है वो एब्सोल्यूट तरीके से नॉर्मल है। यस सर, देन मेंटल का मतलब क्या होता है? कि मेंटल का मतलब ये होता है कि आप अपने लाइफ में बहुत पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिव थॉट के बारे में सोचते हैं, आप अपना गोल सेट करते हैं और पॉजिटिव तरीके से लाइफ को आप पॉजिटिव की तरफ तरीके से आप लेते हैं, आप अपने सक्सेस को भी पॉजिटिव लेते हैं और सक्सेस को तो सभी पॉजिटिव लेते हैं, आप अपने फेलियर को भी पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, आप अपनी गलती से सीखते हैं, दूसरे के बारे में पॉजिटिव रहते हैं। यस सर, दिस इज कॉल्ड एज अ मेंटल स्टेट। मतलब ये मेंटल स्टेट के बारे में बात हो रही है। देन देयर इज अ सोशल वेलबींग। यहाँ पे सोशल वेलबींग बोलने का मतलब ये होता है कि सोसाइटी में जब आप एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के कांटेक्ट में आता है तो आप उनका प्रॉपर हालचाल लेते हैं, ये नहीं कि आप उनसे नेगेटिव बातें करना चालू कर देते हैं या नेगेटिव वर्ड यूज करना चालू कर देते हैं। सो हेल्थ का मतलब नॉट ओनली अब्सेंट ऑफ डिजीज, डज नॉट मीन अब्सेंट ऑफ डिजीज, इट एग्जैक्ट मीन कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द पर्सन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग हेल्थ बोलते हैं। अब एनसीईआरटी हमारी बात करती है कि अगर किसी इंसान को हेल्दी रहना है तो उसको कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी है, हाउ टू बी इन द गुड हेल्थ। हम लोग गुड हेल्थ में एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग गुड हेल्थ में कैसे पाए जा सकते हैं। यस सर, सो ऑल दिस पॉइंट मैंने लिस्ट बनाया हुआ है एंड दीज पॉइंट्स आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। यस सर, तो सबसे पहली बात जो हमारी एनसीईआरटी बोलती है वो बोलती है बैलेंस डाइट के बारे में। यस सर, बैलेंस डाइट का मतलब आप समझते हैं कि आपका जो भी फूड है या आप जो भी डाइट ले रहे हैं वो एब्सोल्यूट तरीके से बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होने का मतलब ये होता है कि उसमें जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो हो, उसमें प्रोटीन हो, उसमें लिपिड हो, एसेंशियल फैटी एसिड्स हो, उसमें विटामिन्स हो, उसमें एसेंशियल मिनरल्स हो। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके डाइट में एवरीडे आप एक ही टाइप का फूड खाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइट बैलेंस हो तो आपके डाइट में सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और सीजनल चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आप सीजनल फल खाइए या आप सीजनल वेजिटेबल्स को खाइए। यस सर, और वेराइटी ऑफ दाल को आप खाइए। देयर इज नो ओनली वन वेराइटी ऑफ दाल। आप वेराइटी ऑफ दाल्स को खा सकते हैं, आप वेराइटी ऑफ बीन्स को भी खा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके डाइट में वेराइटी आएगी और सभी न्यूट्रिएंट एक ही एक बीन में अगर एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है तो दूसरे दाल में या दूसरे बीन में दूसरे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है,
तो आप में जो न्यूट्रिएंट रहेगा वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस रहेगा। इसलिए पहला फोकस हमारी एनसीईआरटी करती है इज अबाउट द बैलेंस डाइट के बारे में। आप बैलेंस तरीके से अपना डाइट को कंप्लीट कीजिए। नंबर टू लेडीज एंड जेंटलमैन, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना, मतलब खुद रेगुलर तरीके से एटलीस्ट ट्वाइस या दो बार या कम से कम एक बार एवरीडे बात करना। देन आप अपने टंग को दो बार, टीथ को दो बार ब्रश करना, यस सर, टंग को क्लीन करना, बॉडी को क्लीन करना, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना, ये सेकेंड एस्पेक्ट है अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी। देन कम्स द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज कॉल्ड रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्दी रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप मिनिमम एक्सरसाइज कौन सी कर सकते हैं? आप ऐसी एक्सरसाइज चूज कीजिए जो जब आप 40 इयर्स के हो या 50 इयर्स के हो या आप 60 इयर्स के हो या आप 70 इयर्स के भी हो, तो वो आप एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं। शायद वो आपके लिए साइकिलिंग हो सकता है, शायद वो आपके लिए स्पीड वॉकिंग हो सकता है या नॉर्मल वॉकिंग हो सकता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रॉपर हेल्थ होने के लिए आपके पास रेगुलर एक्सरसाइज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारी कार्डियक एक्टिविटी बढ़ती है, हमारे बॉडी के हर एक कॉर्नर में ब्लड सप्लाई होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होता है, हर एक टिश्यू में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट वहाँ पे एक्यूमुलेटेड है या जमा है वो वेस्ट बाहर निकलता है। एंड दैट्स वाई दिस फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज आपको वीक में एक या दो बार नहीं करना है, रेगुलर एक्सरसाइज लिखा हुआ है। आप डिसाइड कीजिए आपके बॉडी टाइप के हिसाब से आपको रेगुलर 3 to 4 days इन अ वीक आपको करना है, तो आप 3 to 4 times कीजिए। सो बट एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस बात को याद रखिए, लैक ऑफ एक्सरसाइज इज नथिंग बट द इन्विटेशन फॉर द डिजीज। देन योगा। योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। यस सर, अगर आप फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो एक्सरसाइज ये काम करेगा, लेकिन आप फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी एक साथ रख के काम करना चाहते हैं, बैलेंस तरीके से आप अपना जीवन को जीना चाहते हैं, तो योगा, योगा का मतलब होता है कनेक्ट करना आपके फिजिकल बॉडी को आपके मेंटल बॉडी से कनेक्ट करना। यस सर, दिस इज फंडामेंटली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो every person, every homo sapien on this particular planet must follow this, ऐसा मुझे लगता है। Yes sir, so NCRT को भी ऐसा लगता है, आप read out कर सकते हैं, it is mentioned in our NCRT. Thank you so much. Awareness about the disease, अगर आप regular exercise करते हैं, ये जो योगा होता है ना, आपके बॉडी का और आपके माइंड का अवेयरनेस बढ़ा देता है। कभी कभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, तो आपके बॉडी के बारे में सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ कॉन्शियसनेस हम इसको बोलते हैं। हमने लिविंग वर्ल्ड में ऑलरेडी सीखा हुआ है, सेल्फ कॉन्शियसनेस खाली होमो सेपियन में पाया जाता है। तो योगा करने से फिजिकल बॉडी तो एक साइड इफेक्ट है, लेकिन मेंटल बॉडी में या कॉन्शियसनेस में बहुत ही ज़्यादा डिग्री का डिफरेंस आता है। तो एट ए गिवन स्टेट आप कैसा फील कर रहे हैं खुद के बारे में या अपने सराउंडिंग के बारे में या अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, वो आपको अवेयरनेस इस योगा के वजह से ही होता है। तो अवेयरनेस अबाउट द डिजीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपके आपका कोई भी बॉडी का ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहा है या उसकी बिगनिंग हो रही है या आपको किडनी स्टोन की शुरुआत हो रही है या आपको किसी रोग डेवलप होने की शुरुआत हो रही है, तो इन दैट केस अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अवेयरनेस अबाउट द डिजीज एंड द इफेक्ट ऑन द बॉडी फंक्शन, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना चाहिए। यस सर, देन वैक्सीनेशन, ऑफकोर्स आप इस समय दुनिया COVID-19 के सिचुएशन में है और हम लोग अच्छे तरीके से वेट कर रहे हैं वैक्सीन का। आपको मालूम है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हीपेटाइटिस से लेके MMR से लेके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिटेनस से लेके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन पैदा होने के पहले से ही चालू हो जाते हैं। तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ही आप इस लाइफ में पैदा होते हैं, आपका फर्स्ट डे रहता है इस प्लैनेट पे, वैसे ही इस प्लैनेट में जितने भी वायरसेस और बैक्टीरिया हैं वो भी आपका इंतजार करते रहते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुराने वक्त में बच्चे बचपन में ही मर जाया करते थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड लैक ऑफ वैक्सीनेशन।
विथ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन हमारा जो लाइफ लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है या बच्चों की जो लाइफ होती है वो काफ़ी तेजी से इम्प्रूव हुई है। साथ में आपको ये भी समझना होगा अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज, वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपका इम्यून सिस्टम भी डेवलप रहे, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट रहे, अलर्ट रहे नए बैक्टीरिया या पैथोजन या वायरस से लड़ने के लिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, अगेन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का मतलब ये होता है कि आपके घर में जो भी वेस्ट होता है उसको आप प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करें। यस सर, क्योंकि अगर कोई भी वेस्ट आपके बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, आपके घर में एक्यूमुलेट होगा, तो उसका जो भी साइड इफेक्ट होगा वो आपके बॉडी पे भी आ सकता है या आपके फैमिली मेंबर्स पे भी आ सकता है, या कोई भी डस्टबिन अगर महीनों से आपके सोसाइटी में जमा है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट उस सोसाइटी के सारे मेंबर्स पे आ सकता है। यस सर, सो दिस इज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, अभी ये वेक्टर एग्जैक्टली होता क्या है? वेक्टर वर्ड का मतलब होता है डिजीज कैरिंग एजेंट। वेक्टर का मतलब ये होता है कि डिजीज कैरिंग एजेंट, मतलब डिजीज कैरी करने वाले एजेंट। जैसे आपने एनोफिलिस मॉस्किटो का नाम सुना होगा जो जो मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम उसको कैरी करते हैं। ऐसे ही जितने भी वायरल बीमारी है दे आर गोइंग टू बी कैरीड बाय समहाउ बाय द इंसेक्ट। इंसेक्ट जो होते हैं हमारे प्लैनेट पे दे आर द कैरियर ऑफ वेरी हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड प्रोटोजोन। सो हमको वेक्टर को कंट्रोल करना पड़ेगा। वेक्टर का डेफिनेशन क्या है? डिजीज कैरिंग एजेंट। ये वो इंसेक्ट कहलाता है या ये वो एजेंट कहलाता है जो डिजीज को कैरी करता है और ये डिजीज एनवायरमेंट से आपके बॉडी में देता है। यस सर, सो नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा मॉस्किटो होगा, दैट कैन बी बर्ड ऑल्सो, दैट कैन बी रैट ऑल्सो, तो कोई भी ये हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कौन से डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। देन कंट्रोल ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हमको कंट्रोल करना ही है। वेक्टर के साथ साथ हम लोगों को मेंटेन फूड एंड वाटर हाइजीन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा कि जो मैक्सिमम बीमारी होती है वो वाटर से फैलती है और वाटर के बाद वो फूड से फैलती है। तो आप कौन सा पानी पीते हैं, आप बॉइल्ड पानी पीते हैं कि नहीं, आपका जो पानी है उसके अंदर बैक्टीरिया वायरसेस पैथोजन या उसमें हैवी एलिमेंट मर्क्यूरी लेड ये सारे केमिकल्स तो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो यू मेक श्योर दैट वाटर की हाइजीन और फूड की हाइजीन हमारे लाइफ में उसको मेंटेन करना इट्स एब्सोल्युटली एसेंशियल। यस सर, आई थिंक ये पार्ट आपको समझ में आ गया है। तो अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, नाउ वी गोना टॉक अबाउट द डिजीज के बारे में। डिजीज का डेफिनेशन एग्जैक्टली में है क्या, डिजीज का मतलब क्या। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट है, ये आपके एनसीईआरटी की पॉइंट है। नीट एग्जाम में इस पे स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो एब्सोल्यूट तरीके से पॉसिबल है। यस सर, सो लेट अस टॉक अबाउट द डिजीज। का मतलब होता है एब्सेंट एंड ईज का मतलब होता है इजीनेस। एब्सेंट ऑफ इजीनेस इज कॉल्ड डिजीज। डिजीज वो मेडिकल कंडीशन कहलाता है जिसमें देयर इज अ डिसरप्शन और डी अरेंजमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। यस सर, हम ये डेफिनेशन लिखते हैं। डिजीज का मतलब क्या होता है, इट इज अ कंडीशन, इट इज द कंडीशन इन विच देयर इज डिसरप्टेड और डी रेंज फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। सो अगर आपके बॉडी में कोई भी ऑर्गन या कोई भी ऑर्गन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, यस सर,
या उसका फंक्शन डिसरप्ट हो गया है, तो इस कंडीशन को हम डिजीज बोलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो डिजीज का जो कंडीशन है वो किस वजह से होता है। सो इट मे बी ड्यू टू, ये ड्यू टू इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या आपने कुछ ऐसा खा लिया हुआ है जिसके वजह से ये हो सकता है, मे बी दैट्स बिकॉज ऑफ योर डाइट, और ये आपके लिए जेनेटिकली है, हेरिडिटरी है। तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ डिजीज। डिजीज इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ डिसरप्टेड और डीअरेंज फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ड्यू टू इन्फेक्शन। आइदर देयर इज अ इन्फेक्शन, देयर इज अ डिसरप्टमेंट इन द डाइट, कुछ डाइट की वजह से हो सकता है, आपने जो डाइट खाया हुआ है उसमें कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जो आपके बॉडी के ऑर्गन को नॉर्मल तरीके से फंक्शन करने नहीं दे रही है, और इट मे बी बिकॉज ऑफ सम हेरिडिटरी और जेनेटिकल कंडीशन। यस सर, आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। अब हम लोग क्या जा रहे हैं बात करने, अब हम लोग क्लासिफिकेशन बात करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के बारे में बात करते हैं तो डिजीज जो होते हैं उनको हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। एक जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, और दूसरे को हम लोग हमेशा बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। चलो हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ डिजीज के बारे में। जब हम लोग टाइप ऑफ डिजीज के बारे में बात करते हैं तो ये जो डिजीज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो डिजीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज। पहली जो बीमारी होती है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज, और जो दूसरी बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। आपको यह समझ में आना चाहिए कि कॉन्जेनाइटल डिजीज का मतलब क्या होता है। कॉन्जेनाइटल डिजीज वो डिजीज होता है जो इनबॉर्न डिजीज है। सो इसको हम इनबॉर्न डिजीज भी बोल सकते हैं, आप इसको जेनेटिकल बीमारी भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो कॉन्जेनाइटल डिजीज का मतलब क्या होता है? कॉन्जेनाइटल डिजीज का मतलब होता है दीज आर द डिजीज विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी फ्रॉम द बर्थ। तो अगर किसी प्रेग्नेंट महिला ने, प्रेग्नेंट वुमन ने कुछ हार्मफुल केमिकल या टॉक्सिक चीजें प्रेगनेंसी के वक्त खा लिया हुआ है, यस सर, और बच्चे का जो कोई भी बॉडी का ऑर्गन है या बॉडी का पार्ट है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, इन दैट केस ये कॉन्जेनाइटल बीमारी होगा। बट कॉन्जेनाइटल बीमारी डज नॉट नेसेसरी कि ये जेनेटिकल 100% होगा ही होगा, इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं कि कॉन्जेनाइटल बीमारी मतलब इनबॉर्न डिजीज, ये दोनों पार्ट 100% अप्लीकेबल है, लेकिन एवरी इनबॉर्न डिजीज, हर एक इनबॉर्न डिजीज जेनेटिकल डिजीज हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एवरी जेनेटिकल डिजीज इज ऑलवेज गोइंग टू बी दी कॉन्जेनाइटल डिजीज, ये पक्का है। यस सर, इज दैट क्लियर? जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि कोई महिला अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब प्रेगनेंसी डेवलप हो रही थी तो स्मोक ले लिया या अल्कोहल चला गया, एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल हो गया, तो वो अल्कोहल का या कोई भी एक्सेस अमाउंट ऑफ केमिकल चला गया या पोल्यूटेंट चला गया तो उसका बेबी के डेवलपमेंट पे इफेक्ट आएगा। इज दैट क्लियर? सपोज वो बेबी के ऑर्गन का हार्ट डेवलप नहीं हो पाता है, लेकिन बच्चे का डीएनए जेनेटिक सेम है, जेनेटिक एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। सो कुछ पोल्यूटेंट थे वो बच्चे के डेवलपमेंट प्रोसेस को डिसरप्ट कर दिए,
तो ये जो बीमारी होगी ये कॉन्जेनिटल बीमारी होगी, जेनेटिकल नहीं होगी। तो कॉन्जेनिटल बीमारी वो बीमारी कहलाती है बचपन से इनबॉर्न ये पाई जाती है। यस आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। सो ये कॉन्जेनिटल डिजीज है, इनबॉर्न डिजीज है, ये जेनेटिकल बीमारी है। जो दूसरी बीमारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज वो डिजीज होता है जो आप अपने जिंदगी में, आप अपने लाइफ में इसको एक्वायर्ड करते हैं। ये आपको जन्म से नहीं मिलता है, ये आपको जन्म से बिल्कुल नहीं मिलता है, आप अपने जिंदगी में, आप अपने लाइफ में आप इसको एक्वायर करते हैं। यस सर, इसलिए हम इसको एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं। अब ये जो एक्वायर्ड डिजीज होता है इसको हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। एक जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज और एक को हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मैं लिखता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। सो एक्वायर्ड डिजीज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, द फर्स्ट टाइप एंड द सेकंड टाइप। कम ऑन इंडिया, फर्स्ट टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है इस कम्युनिकेबल डिजीज को हम इंफेक्शियस डिजीज भी बोलते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ये है कम्युनिकेबल डिजीज, ये हम इसको इंफेक्शियस डिजीज भी बोलते हैं। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये है कम्युनिकेबल डिजीज, इसको हम इन्फेक्शियस डिजीज भी बोलते हैं। ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या हम इसको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी बोलते हैं। आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू कि कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है जो किसी पैथोजन के वजह से होता है, या ये मे बी आपको वायरस के वजह से होता है। इंपॉर्टेंट COVID-19 एग्जाम्पल, कोविड एग्जाम्पल है COVID-19 जो आपको वायरस के वजह से हो सकता है। कफ एंड कोल्ड भी इसी का एग्जाम्पल है। टाइफाइड आपको हो गया तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है। अमीबियासिस आपको ये बीमारी होगी तो भी ये इसी का एग्जाम्पल है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज कहलाता है जो किसी इन्फेक्टिंग एजेंट या डिजीज कॉजिंग एजेंट के वजह से ये हो जाता है। यस इज दैट क्लियर। तो ये जो कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं इनको हम लोगों ने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? दो पार्ट में इनको हमने फिर से डिवाइड किया हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन ये जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो कंटेजियस है या नॉन कंटेजियस है, कंटेजियस है या नॉन कंटेजियस है। अब सवाल ये उठता है कि ये कंटेजियस डिजीज क्या होता है और ये नॉन कंटेजियस डिजीज क्या होता है। दोनों पार्ट को हम समझते हैं। सो इसका जो सबसे पहला टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंटेजियस डिजीज। जब हम लोग कंटेजियस डिजीज के बारे में बात करते हैं, कंटेजियस डिजीज का मतलब हमेशा यहां पे ये होता है या ये मतलब आपको लेना है कि कंटेजियस डिजीज वो डिजीज होता है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे नॉर्मल पर्सन को स्प्रेड हो सकता है। जैसे कोरोना, यस COVID-19। ये जो COVID-19 जो बीमारी है वो इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन को स्प्रेड हो सकता है। यस सर, सो ये बीमारी बहुत ही ज्यादा डेडली नहीं है लेकिन ये स्प्रेड बड़ी तेजी से हो सकता है, और जब ये स्प्रेड बड़ी तेजी से हो सकता है तो इट बिकम डेंजरस। यस सर, कफ एंड कोल्ड, व्हाट अबाउट कफ एंड कोल्ड? अगर किसी को कफ एंड कोल्ड हुआ है, आप उनके क्लोज कॉन्टेक्ट में हैं, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। इसका मतलब ये कंटेजियस है। यस सर, इज दैट क्लियर? सो व्हाट अबाउट ट्यूबरकुलोसिस? अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, आप उनके कफ और कफ के कांटेक्ट में या उनके क्लोज कांटेक्ट में आ सकते हैं, तो आपको भी
ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है. इज दैट क्लियर? तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं ये कंटेजियस डिजीज के एग्जाम्पल हैं. कंटेजियस डिजीज वो डिजीज होता है विच स्प्रेड और विच ट्रांसमिट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन. यस सर, ऐसी कोई भी बीमारी जो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, तो इसको हम लोग कंटेजियस बीमारी हम इसको बोलेंगे. इसमें आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो. एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी COVID-19, ये बीमारी भी है. कफ एंड कोल्ड भी ये एक एग्जाम्पल आ सकता है. कफ एंड कोल्ड भी इसके अंदर एग्जाम्पल आ सकता है. रिंग वॉर्म आपने सुना हुआ है, रिंग वॉर्म, तो इसके अंदर रिंग वॉर्म भी एग्जाम्पल आ सकते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. अब हम लोग बात करते हैं कंटेजियस के बाद नॉन कंटेजियस बीमारी के बारे में हम लोग बात करते हैं. यस सर. सो इसका जो बी पार्ट है, यस सर, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं, इसको हम बोलते हैं नॉन कंटेजियस बीमारी. So, मेरे प्यारे बच्चों, नॉन कंटेजियस बीमारी कौन सी बीमारी होती है? नॉन कंटेजियस बीमारी वो होती है जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को स्प्रेड नहीं होती है. नॉन कंटेजियस बीमारी वो बीमारी होती है जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट या स्प्रेड बिल्कुल नहीं होती. आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. यस सर. नॉन कंटेजियस का मतलब होता है ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को स्प्रेड नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि टाइफाइड, टाइफाइड एक बीमारी है जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होती है. मैंने ऐसा सुना है कि ये बीमारी कंटेमिनेटेड फूड और या वाटर के वजह से ये बीमारी होती है. तो अगर आप कंटेमिनेटेड फूड और वाटर खाओगे तो ही आपको ये बीमारी होगी. किसी को टाइफाइड हुआ है और उसके साथ आप रह रहे हो या उसके क्लोज कांटेक्ट में हो तो आपको ये बीमारी नहीं फैलेगी. आई थिंक आर यू गेटिंग? यस सर. इज दैट क्लियर? नॉन कंटेजियस का मतलब ये होता है दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन. आई जस्ट राइट हियर, दे डू नॉट स्प्रेड. ये जो बीमारी है दे डू नॉट स्प्रेड और डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ये ट्रांसमिट नहीं होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. इसमें एग्जाम्पल आप टाइफाइड के बारे में आप लिख सकते हैं. आप अमीबियासिस के बारे में भी इसमें लिख सकते हैं. अमीबियासिस के बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं. आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर. हम जिंदगी की राहों में आगे बढ़ते और हम मूव ऑन करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में बात करते हैं. जैसा कि नाम लिखा हुआ है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होता है जो स्प्रेड नहीं होता है. यस सर. सो इसमें कंटेजियस और नॉन कंटेजियस हो गया. ये कम्युनिकेबल है, ये इन्फेक्शियस है. इन्फेक्शियस का मतलब आप समझ गए ना, इसमें पैथोजन इन्वॉल्व होगा. बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, हेलमेंथिस,
प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ, कुछ भी इसके अंदर एजेंट इन्वॉल्व होगा, इसके अंदर कोई भी एजेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। इसका पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं स्मॉल अल्फाबेट में। इसका पहला एग्जाम्पल है कोई भी एलर्जिक रिएक्शन, यस सर, एलर्जी। अगर किसी बंदे को एलर्जी है तो ये किसी इंफेक्शन के वजह से या किसी बैक्टीरिया के वजह से ये नहीं होता है, यस सर। देन देयर इज अ डीजनरेटिव डिजीज, डीजनरेटिव डिजीज का मतलब क्या होता है? डीजनरेटिव डिजीज का मतलब ये होता है कि ये एक डीजनरेटिव बीमारी है। डीजनरेटिव मतलब आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं एज के साथ ये डिस्ट्रॉय होते हैं, अपना काम करना बंद करते हैं, यस सर। तो डीजनरेटिव डिजीज का मतलब ये होता है ये एजिंग से रिलेटेड डिजीज है। Deals with aging, yes sir. Then there is a cancer. अगर किसी बंदे को कोई mental बीमारी है, so mental disease भी इसी condition में आएंगे। अगर किसी बंदे को किसी vitamin या iron या किसी mineral की deficiency है, तो deficiency symptoms या deficiency disease, सो डेफिशिएंसी डिजीज भी इसी चीज का है। किसी को टोबैको का एडिक्शन हो गया है, किसी को ड्रिंकिंग करने का एडिक्शन हो गया है, दैट केस ऑल्सो इट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। आई थिंक दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें कोई भी पैथोजन या पैरासाइट इन्वॉल्व एब्सोल्यूट तरीके से नहीं होगा। एलर्जिक कंडीशन, डीजनरेटिव डिजीज या एजिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जैसे 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 एज होता है आपके बॉडी के जॉइंट्स, आपके बोन वीक होते जाते हैं, है ना, आपकी आई साइट वीक होती जाती है। मेंटल बीमारी या कैंसर, डेफिशिएंसी डिजीज, आपको एनीमिया होता है आयरन की कमी से, यस सर। देन एडिक्शन, टोबैको का एडिक्शन या अल्कोहल का एडिक्शन। तो ये सारे डिजीज का इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग वन बाय वन अलग अलग डिजीज के बारे में बात करेंगे। आई थिंक दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर। हमने अभी बात किया कि डिजीज एग्जैक्टली होता क्या है, उसके बाद हम लोग ने टाइप ऑफ डिजीज बात किया। टाइप ऑफ डिजीज में हमने कॉन्जेनिटल डिजीज बात किया, ये जन्मजात रोग होते हैं, फ्रॉम द बर्थ ये पाया जाता है और ये एक एक्वायर्ड डिजीज है। ये पैदा होने के बाद बंदा खुद एक्वायर्ड करता है, अपना गलत डाइट पाके या गलत जेनेटिक पाके या गलत बैक्टीरिया या वायरस से एक्सपोज होके। सो ये एक एक्वायर्ड डिजीज है। एक्वायर्ड डिजीज में भी कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेट करने वाला, तो ये किसके थ्रू कम्युनिकेट होता है? पैरासाइट के द्वारा या पैथोजन के द्वारा ये कम्युनिकेट करता है। सो इट मे बी कंटेजियस, जो स्प्रेड होता है हेल्दी इन्फेक्टेड बंदे से नॉर्मल बंदे को। नॉन कंटेजियस, ये स्प्रेड नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, इसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, और नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस है, और ये इसके एग्जाम्पल है, यस सर। सो आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। अब हम अलग अलग डिजीज जो आपके एनसीईआरटी में है उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।